जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी चुनावों के बीच नेता लगातार जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के कारनामे कर रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला जौनपुर से सामने आया, जहां मछली शहर सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रागिनी सोनकर जनता के सामने गाना गाकर और रो रो कर वोट मांगती नजर आई। दरअसल जौनपुर जिला की मछली शहर सीट पर समाजवादी पार्टी ने 4 बार के विधायक जगदीश सोनकर का टिकट काटकर रागिनी सोनकर को उम्मीदवार बना दिया है। रागिनी सोनकर के पिता कैलाश सोनकर भी अजगरा सीट से विधायक हैं। टिकट कटने से जगदीश सोनकर के समर्थक नाराज हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रागिनी सोनकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाना गाकर वोट मांगती दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रागिनी सोनकर ए मेरे वतन के लोगों गीत को जनता के बीच गा रही हैं। इस दौरान रागिनी सोनकर कहती हैं कि मैं आपकी बेटी हूं, आपकी बहन, आपके समक्ष अपील करना चाहती हूं कि मुझे मौका दें। मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके समक्ष मैं अपील करना चाहती हूं, मुझे मौका दें। इस 5 साल की सरकार में हम तिल तिल मरे हैं, अब 7 तारीख को जो महापर्व होगा उस दिन इंकलाब होगा। इस 5 साल की सरकार में हम तिल तिल मरे हैं, इस 5 साल की सरकार में हम तिल तिल मरे हैं, अब 7 तारीख को जो महापर्व होगा, 7 तारीख को जो महापर्व होगा उस दिन इंकलाब होगा। हर उस दुख का जवाब होगा, उस दिन इंकलाब होगा। हम उस दिन दुख का जवाब देंगे। जब रागिनी सोनकर भाषण दे रही थी, उस वक्त वो भावुक दिखाई दे रही थी, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रागिनी सोनकर को टिकट देने के लिए समाजवादी पार्टी ने जगदीश सोनकर का टिकट काटा, जो लगातार 2 बार से मछली शहर सीट से विधायक चुने गए थे। जगदीश सोनकर इसके पहले 2002 और 2007 में जौनपुर जिले की शाहगंज सीट से भी विधायक चुने गए थे। बताया जाता है कि टिकट कटने से जगदीश सोनकर और उनके समर्थक काफी नाराज हैं। मछली शहर विधानसभा सीट यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पर करीब 60,000 यादव मतदाता हैं, जबकि 50,000 ब्राह्मण, 35,000 मुस्लिम मतदाता भी हैं। क्षत्रिय और बिंद वोटर भी 25-25,000 हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।